क्या कर साथ भी लेंगे हमारी कुछ आपकी फैमिली में कितने बंदे थे? मेरे पांच परिवार। और आपके मवेशी बच गए? जी, तीन बच्चे मेरे में, हम चार थे घर में। आपके जो मवेशी पशु थे वो सारे बच गए कि? वो सब बच्चे हैं, मेरे ऊपर था ना सारे। अच्छा जी, मेरे पड़ोसी वगैरह वो सब चल। आपकी फैमिली से कौन कौन थे? कौन कौन था आपकी फैमिली से? फैमिली का कुछ नहीं हुआ ना जी, बताए ऊपर को निकले हम तो मेरा के सामने से गया। इस गांव से थे आप? रहते कहाँ थे आप? यहीं पे। अच्छा ओके, घर बचा ना वो मेरा। ओके, नाम क्या है आपका? नाम क्या है? अनीता देवी। मैं तो सोई थी ना, मेरा घर ही लाइट सा बेड में सीधे खड़ी खड़ी उठ के मैंने देखा ये क्या हुआ। पुलिस ने कि लाइट है, लाइट वाले आए और मैं बोलो कि राखी क्या हुआ, ये क्या हुआ, पता नहीं मैंने क्या हुआ बोला। फिर मैं वही ऐसे रही, मैं वही मैं फिर आए और मैं क्या हुआ तुम्हारे को क्यों आए तुम्हें वो आ रहे ऐसे ऐसे करके बोला खत्म किया बोला बोरे होगा। फिर वो तीन बार पूछ गया भाई, फिर भाग गया हम ऊपर को नागी टांगे निकले ऊपर गाँव में। तो रात भर कहाँ आप गाँव में रहे? माता के मंदिर मंदिर। क्या नाम है उस मंदिर का जहाँ पे थे आप? काली भगवती माता के मंदिर। कितने लोग थे आप वहाँ पे? जी हमारे लगभग यहाँ मेरे आधे तो परिवार किस दस ही जो अभी तक लापता है, मेरे ख्याल 14-15 लोग तो वही है परिवार के। एक मेरी बेटी के दो बेटे, एक बेटा एक बेटी थे, नानू नानी मेरे, उनका भी अभी तक कोई पता नहीं। कितने साल के थे? एक 60 साल की बेटी थी और 4 साल का बेटा था। लास्ट टाइम कब हुई आपकी बात उनसे? में पढ़ते थे। लास्ट टाइम तो 3-4 दिन पहले बात हुई उनसे। अच्छा, लगता हूँ उससे पहले बात नहीं हुई कोई। अभी तक कुछ पता चल पाया? अब तक कोई पता नहीं, यहाँ तो कोई सुराग नहीं रखा, बिल्डिंग का सुराग नहीं रखा, कुछ नहीं, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। आपको कब पता चला घटना के बारे में? तो रात के
दस बजे लगा, दो बजे लगा पता, दो बजे जब इधर उधर से फोन आए कि SSS मेज में बाढ़ आई है, वो बाढ़ से जो है अभी तक जो है कम्युनिकेशन टूट गया है, किसी से संपर्क नहीं हो पाया। सुबह के समय पता लगा कि वहाँ जो है कुछ भी नहीं रहा है, कोई अंश नहीं रहा है, ना मकान का, ना आदमी का, कोई किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं है। आप कहाँ थे उस टाइम जब आप? रामपुर था। आप क्या करते हो? मैं रिटायरी हूँ। फिर आप सुबह आए हो? मैं सुबह आया 4 बजे। 4 बजे और जब आपने 4 बजे यहाँ मंजर देखा तो क्या, किस तरह मंजर देखा? यहाँ का दृश्य देख के सारे दम रह गए, इसको बयान नहीं कर सकते। ऐसा मंजर किसी ने देखा होगा या सुना होगा कि ऐसा हुआ आज तक? इतनी कई सालों से, 60 साल की उम्र हो गई मेरी, कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। MCA और MBA जैसे प्रोफेशनल कोर्स 100% प्लेसमेंट के साथ गवर्नमेंट कॉलेज चुना में, किफायती फीस में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुभवी फैकल्टी के साथ ऊना कॉलेज का खूबसूरत कैंपस पढ़ाई के लिए एकदम उपयुक्त माहौल प्रदान करता है। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में ऊना कॉलेज की ओर से MBA और MCA कोर्स के एडमिशन शुरू है। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ इंडस्ट्रियल एक्सपोजर और एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज पर भी खूब ध्यान दिया जाता है। स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट्स में लाइव प्रोजेक्ट्स के माध्यम से अपनी क्षमता निखारने का अवसर भी मिलता है। तो यदि आप भी जीवन में नई ऊंचाइयों को छूना चाहती है तो आपके पंखों को उड़ान देने के लिए ऊना गवर्नमेंट कॉलेज एकदम उपयुक्त है। MBA में एडमिशन के लिए कॉल करें 7018426686 या फिर 89681446489। इसी तरह यदि आप MCA में एडमिशन लेना चाहती हैं तो अभी कॉल करें 98161758888 या 7018211876 पर। हिमाचल जहां कदम कदम पर है कहानी और हर मोड़ संगम है, लय और ताल का लाइफ टाइम स्टीवी लेकर आई है हिमाचल का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन हिमाचल डांस चैंपियनशिप सीजन 2। पहले सीजन की शानदार कामयाबी के बाद दूसरे सीजन के ऑडिशन जल्द ही शुरू हो रहे हैं। सीनियर जूनियर एज ग्रुप में सोलो, ड्यूट और ग्रुप डांस के मुकाबले, वेयर फैशन मीट्स परिसेशन एंड टैलेंट टेक्स सेंटर स्टेज। ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि सेलिब्रेशन है। हिमाचल की प्रतिभा का ऑडिशन, सेमीफाइनल, टीवी राउंड्स, ग्रूमिंग और डांस बैटल्स का सीधा प्रसारण केवल लाइफ टाइम्स टीवी पर। रंगारंग ग्रैंड फिनाली हिमाचल के टॉप 20 डांसर्स के साथ मंत्रमुग्ध करने वाला ग्रैंड फिनाले, जहां हिमाचल के बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉम्पीट करेंगे। हिमाचल डांस चैंपियनशिप टाइटल के लिए विजेता को नगद इनाम भी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने शहर की डांस एकेडमी में संपर्क करें। हिमाचल डांस चैंपियनशिप के फेसबुक पेज से आज ही जुड़े और पाए कंपटीशन की हर अपडेट।